हुगली शहर के वेंडेल में बने वेंडेल चर्च, जो 1599 को ईस्वी को बनाया गया था, जिसका एक अपना एक अलग ही इतिहास है। तो आइए चलते हैं आज वेंडेल चर्च को और जानते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में और एक्सप्लोर करते हैं पूरे वेंडेल चर्च को। तब तक के लिए अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं फिर से एक न्यू नदर ब्लॉग में। आज मैं आया हूं हुगली शहर के वेंडेल में बने वेंडेल चर्च, बेसिली का ऑफ द होली रोजरी, जिसे आमतौर पर वेंडेल चर्च के नाम से जाना जाता है। इंडिया के पश्चिम बंगाल में सबसे पुराना ईसाई चर्चों में से एक है, जिसका मजहब यह चर्च सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहती है। तो चलिए चलते हैं चर्च के अंदर और जानते हैं इसका इतिहास, हिस्ट्री। या आप देख सकते हो मैं अभी फिलहाल चर्च का मेन गेट के पास हूँ और चलिए चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं पूरा वेंडेल चर्च को। यह पुर्तगाली चर्च जो अब आधुनिक वेंडेल का महादृश्य है, यह पश्चिम बंगाल भारत में सबसे पुराना ईसाई धार्मिक स्थल 1599 में स्थापित किया गया था 16वीं शताब्दी। तो चलिए जानते हैं वेंडेल चर्च का इतिहास। 16वीं शताब्दी के मध्य के आसपास पुर्तगालियों ने वेंडेल के एक बंदरगाह के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। 1571 के दौरान या उसके आसपास उन्होंने हुगली में एक शहर बनाने के लिए मुगल सम्राट अकबर द्वारा अनुमति दी गई थी। उसके पुजारियों ने निवासियों को बपतिस्मा देना शुरू कर दिया। 1598 को हुगली में कैथोलिकों की संख्या लगभग 5000 थी, जिसमें मूल निवासी जिसमें मूल निवासी और मिश्रित नस्लें शामिल थी। अगले वर्ष कैप्टन पेड्रो तावारेस ने सार्वजनिक रूप से कैथोलिक धर्म का प्रचार करने के लिए सम्राट की अनुमति प्राप्त की। इस प्रकार 1599 में वेंडेल चर्च का निर्माण हुआ। आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या हिस्ट्री है वेंडेल चर्च की, क्या इतिहास रहा वेंडेल चर्च की। और चलिए दिखाते हैं आपको पूरा वेंडेल चर्च का। नजारा वेंडेल चर्च के गार्डन एरिया और वेंडेल चर्च की खूबसूरती। ये वेंडेल चर्च कोलकाता शहर से 46 किलोमीटर की दूरी पर बसी है। अगर आप ये वेंडेल चर्च कोलकाता शहर से घूमने आते जाते हो तो सियालदा से आप सियालदा वर्धमान लोकल सुबह 10:15 में जो खुलती है उससे पकड़ के आप डायरेक्ट वेंडेल आ सकते हो, या फिर हावड़ा जंक्शन से आपको हर टाइम वेंडेल के लिए ट्रेन मिल जाएगी। आप वहां से भी आ सकते हो इस चर्च को घूमने के लिए। Thank you.
और आप लोगों को बताता चलूं कि 1632 में मूरों द्वारा हुगली के बर्खास्तगी के दौरान इससे पहले का चर्च को जला दिया गया था, जिसे गोमेज डिसोटो द्वारा निर्मित एक नया चर्च 1660 में खंडर के ऊपर बनाया गया था। पुराने चर्च का कैस्टिंग कैन अभी भी भीतर के पूर्व में देखा जा सकता है, जिसे आप जाके देख सकते हो। हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त किया जाता है और आप सभी को मेरी तरफ से एडवांस में मेरी क्रिसमस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ अलग हिस्ट्रिकल प्लेस के पास। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, मिस यू सो मच।